गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आपके लिए लेके आए हम शॉर्ट राइड, बट उसके पहले मैं कम शब्दों में अपनी अब तक की जर्नी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी उत्तराखंड ट्रिप की वीडियोस को जाकर देखना। उस समय हुआ क्या था कि मैं सोचा कि ऐसे ट्रिप पर जा रहा है तो क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, और बस रैंडम बिना ट्राइपॉड के ही बस फोन उठाया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मैंने। मैं एक ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने अपना फ़ोन ऐसे वर्टिकली पकड़ रखा था, कभी मैंने अपना फ़ोन प्रेजेंटर पकड़ रखा था, तो उससे हुआ क्या, मेरी जो वीडियो का फ्रेम था बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। जैसी बननी चाहिए बिल्कुल वैसी बनी ही नहीं, बट फिर भी मैंने अपलोड की सारी। वैसे मैं घर में वापस आके एडिटिंग किया था उसकी, तो जब मैं एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर देख रहा था कौन सा यूज़ किया जाए, तो एक फिल्मोरा गो जानते होंगे आप, तो उसका मैंने यूज़ किया था। और उसके बाद फिर वही लास्ट वीडियो मैंने 15 अक्टूबर को अपलोड की थी, उसके बाद फिर मैं 3 महीने का ऐसे ही ब्रेक ले लिया। सोचता रहा कि मतलब क्या अपलोड करूँ, यहाँ पर क्या कंटेंट क्या रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब फरवरी में जा करके मैंने स्टार्ट किया अपनी छोटी छोटी राइड्स के साथ। उसके लिए मैंने अपना एक्शन कैमरा लिया, पहली वीडियो में जो दिखाया था आपको मैंने। तो इस बार भी मैंने काफ़ी रिसर्च की कि क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं मैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो बहुत सारे मिले, ब्लॉग स्टार, पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, सारे ट्राई किए मैंने, बट किसी में कुछ मज़ा नहीं आई। लास्ट में मैंने काइन मास्टर को चूज़ किया और वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, वो तो सही चल रही है उसकी एडिटिंग। और तो बस यही थी छोटी सी कहानी अब तक की मेरी जर्नी। तो बस अब निकलते हैं आज की राइड के लिए। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो फॉरेस्ट के बीच में एक जगह है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मैंने गूगल करके देखा था, जगह का नाम है कोइलीघुघर, और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 52 किलोमीटर के आसपास ही है। यहाँ से हम सीधे जाएंगे, उस दिन हम इस तरफ गए थे पिछले हफ्ते, संबलपुर रोड है ये, और सीधे जाने पर ये बेल पहाड़, और उसके बाद फिर रायगढ़ के बाद बॉर्डर क्रॉस करके छत्तीसगढ़ जाने के लिए ये रास्ता है। तो अभी बिना कोई बात किए डायरेक्ट पहुँचते हैं वहीं पर, या फिर रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा अगर दिखेगा तब हम बात करेंगे। निकलने के पहले मैं फ्यूल भरवाना भूल गया, तो यहाँ फ्यूल भरवा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। गूगल मैप देखने के लिए एक बार रुका था यहाँ पर,
एक्शन कैमरे की बैटरी लो है तो उसको मैं पावर बैंक में लगा लेता हूँ इससे पहले कि वो बंद हो जाए और रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, क्योंकि पिछले बार यही हुआ था। तो भाई चार्ज में लगा दिया, अब ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चार्ज भी हो रहा है, बढ़िया। और अब चलते हैं, उससे पहले देख लें एक बार कितनी दूर और बचा है। थोड़ी दूर पे ही राइट टर्न लेना होगा और सीधा रास्ता ये जाएगा पूरा रायगढ़, छत्तीसगढ़ में है, होते हुए बिलासपुर वगैरह जिसको जाना है वो इस रास्ते को ले सकता है। और जिसका मुझे डर था वही हुआ, मैं आगे थोड़ा सा आ चुका हूँ, वहाँ कहीं लिखा भी नहीं था। ये था वो रास्ता जो कि आगे जाने की वजह से लेफ्ट लेना पड़ा मुझे, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ आने के पहले मुझे यहाँ के बंदरों से पहले ही वार्न कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो बंदर हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं, कैमरा मोबाइल फ़ोन तक ये ले जाते हैं। और ये जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की है तो वहाँ पर, अभी दिखाता हूँ, वहाँ पर एक बंदर कैसे गाड़ी के ऊपर बैठ गया है। वो महाशय गाड़ी पार्क करते जैसे मैं गाड़ी से हटा वो वहाँ बैठ चुके हैं उसके ऊपर। जाते हैं नीचे, नीचे वाटरफॉल है और एक मंदिर है। वाटरफॉल मैं डर गया, बगल में बंदर अचानक से कूद पड़ा नीचे। यहाँ पर काफी कहाँ कहाँ से बंदर निकल रहे हैं, काफी बच के रहना पड़ेगा यहाँ पर। अब मुझे डर लग रहा है शूट करने में। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर कराता हूँ आपको यहाँ पर क्या है। जो भी आपने वाटरफॉल देखा, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं बट 200 फीट के आसपास है ये वाटरफॉल। और ऐसा कहा जाता है कि वाटरफॉल के अंदर शिवलिंग है, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। और साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन, मतलब अभी से 21 तारीख को इस बार महाशिवरात्रि, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने, यहाँ का व्यू एंजॉय करने। और बेसिकली एक ये पिकनिक स्पॉट है ये, तो यहाँ पर आ करके आराम से यहीं पर खाना बना कर खाते हैं लोग। और ये जंगल के बीच में है और जंगल का नाम क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा समय, तो अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसका उसको प्रोनंसिएट करना थोड़ा सा टफ है। आप लोगों को पता ही है मैं फ़ोन से ही व्लॉगिंग करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे सिनेमैटिक शॉट नहीं ले पाया। वैसे फ़ोन से भी काफ़ी अच्छे शॉट्स जो हैं ले सकते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस उतनी है नहीं, तो धीरे धीरे करके अपनी वीडियो भी अच्छी होती रहेंगी।
वो जो पीछे पे मंदिर बना है वहाँ पर, उसके लिए जाने का रास्ता ये है। यहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे हैं, उनसे मैंने पूछा शिवलिंग के बारे में, जो शिवलिंग यहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि शिवलिंग इस जगह पर है और यहाँ पर ये महाशय बैठे हैं। तो ये चले जाए, उसके बाद मैं उधर जा कर आपको दिखाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि शिवलिंग जो है यहाँ इसके अंदर है, इसके अंदर शिवलिंग है और लोग में अंदर हाथ डाल डाल के छूते हैं। अब पता नहीं शिवलिंग छू पाते हैं या नहीं छू पाते हैं, उसी के अंदर शिवलिंग है तो वहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर एक बनाया गया है। तो ये है वो मंदिर जो हमें नीचे से वहाँ से दिख रहा था, और यहाँ भी बंदर हैं। बंदरों की वजह से यहीं बैठना मुश्किल हो जा रहा है। किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, चर्च में थोड़ी देर बैठो, मतलब एक अलग ही मन की शांति मिलती है अंदर से। आप लोगों ने भी कभी फील किया होगा, पत्तों की आवाज़, मतलब वहाँ बंदर है, अलर्ट हो जाओ। और ये रास्ता वहाँ नीचे जा रहा है, चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ मेहमान भी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल धूप में आराम से इंजॉय कर रहे हैं। ये रहे, ये एक बार पानी में तैरते हुए दिख जाए तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ सकती है, लेकिन ये आराम कर रहे हैं और मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, पता नहीं कैमरे में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, वो देखिए। जाने के पहले सोचा थोड़ा सा यहाँ बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल नदी के किनारे आराम से, और काफ़ी शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के। और हमारे जो तीन मेहमान थे वो भी अब धीरे धीरे पानी में जा रहे हैं। तीनों जा चुके हैं पानी में, कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों। तो काफ़ी देर बैठ गया यहाँ पर, और मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करूँ, क्योंकि इससे अच्छी लोकेशन कहाँ मिलेगी। घर में एंडिंग करूँगा मज़ा नहीं आएगी, वही वापस जाने समय भी वही सेम रूट रहेगा और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं रास्ते में। तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगा। तो पीछे मस्त एकदम पूरा पानी में अंदर डूब जाते हैं पूरे। तो अभी मैं वहाँ पर उनकी वीडियो ले रहा था, और वीडियो लेते लेते मैं थोड़ा उनके पास चला गया और तीनों मुझे दौड़ा लिए मैं भागा वहाँ से। काट भी लेते होंगे क्या पता। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर एक नई लोकेशन पे मिलूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं नई वीडियो डालूँगा। तो तब तक के लिए बाय गाइज़।